हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द एम एस एस मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर क्लोनिंग एमसीक्यूज के, बा, के बारे में क्लोनिंग वेक्टर के एम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेशन है वो आपके लिए स्टार्ट हो सके ठीक है तो चलिए हम विदाउट डिले फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आ, जो है क्वेश्चन

बिल्कुल इसके अंदर जो restriction sites होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं इससे क्या फायदा है इससे फायदा ये है कि अदर अदर जो हैं वो इस पे काम कर सकते हैं। और जो भी एंड स्टिकी एंड ब्लंट एंड वो जो जनरेट करने हैं वो कर सकते हैं ठीक है तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी ऑल अबाउट ठीक नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैक्सिमम साइज ऑफ फॉरन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इन टू एन इंस एस देखिए अगर आप मैक्सि सॉरी हाँ आ, कोई भी अगर फॉरेन डीएनए है जो आप वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो साइज होनी चाहिए द साइज रेंज इज टू ये ध्यान रखिएगा कि साइज रेंज जो होती है दैट इज एटीन टू थर्टी टू के बी अब इसके बीच का जो ऑप्शन है वो आपको देखना है थर्टी फाइव के बी थर्टी टू के बी की रेंज से बाहर जा रहा है एटीन के भी हो सकता है सही लेकिन अभी हम और भी देख लेते हैं फिफ्टीन के भी इसका ऑप्शन नहीं है ट्वेंटी सेवन के बी बिल्कुल ये मेरे ख्याल के बी से, से ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये थर्टी टू के बी जो है लेकिन अगर सपोज ई ऑप्शन ऐसा होता कि जैसे टू जैसे अगर आपके पास ई e ऑप्शन भी होता और वो बोलता बी एंड डी बोथ तो आप किसको टिक करते बी एंड डी बोथ ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम हमको साइज बतानी है क्वेश्चन में जो दिखा है मैक्सिम साइज बोल रहा है इसीलिए यहाँ पर ट्वेंटी सेवन के बी इसका सही आंसर है ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड की थी तो हमने देखा था कि इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो की मार्कर का, का काम करती है और उनमें से जो साइट है वो साइट है जैसे एम्पेसिलिन आर रेजिस्टेंस जिन ये एम्पेसिल AMP, मतलब और आर जो इसके ऊपर लगा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट में वो है रेस्ट्रिक्स रेजिस्टेंस जिन दो सिलेक्शन इसके अलावा भी होते हैं जैसे स्टेप्टोमाइसिन मार्कन भी, भी होती है लेकिन यहाँ पर एम्पेसिल और टेट्रोसाइक्लिन का दे रखा है

इट्स रेप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन होस्ट सेल देखिए ये बात बिल्कुल गलत है प्लाज्मिट का जो रेप्लीकेशन है वो किसी और होस्ट जैसे को हमने किसी होस्ट सेल में डाला तो वहां पर ये खुद रेगुलेट करता है क्योंकि ये हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल की फॉर्म में रहने की इसकी आदत है तो ये होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं होगा ये अपना रेप्लीकेशन खुद करेगा ठीक है तो ये किसी भी होस्ट सेल पे डिपेंड नहीं होगा सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी समझ में आ रहा है क्यों Now come to the of is, uh, क्या है? जो वायरस जो, जो, जो है लेमडा उसी का एक फॉर्म है ठीक है uh, तो यहाँ पर जो फेजमेड होता है वो प्लाज्मिट और फाज लैमडा का कॉम्बिनेशन होता है ठीक है तो देखिये इसमें ऑप्शन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिट एंड फेज लेमडा

उसके बाद यहाँ पर कॉस्मिक वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर कॉस्मिक वेक्टर जो है वो क्या कह रहा है Uh, uh हाँ कॉस्मिट वेक्टर जो है सबसे पहले आप ये समझिए व्हाट इज अ कॉस्मिट वेक्टर कॉस्मिट वेक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड और फाज लैमडा के एसोसिएशन से ही बना जैसे फेजमिट बना है ऐसे ही कॉस्मिट बना है लेकिन कॉस्मिट को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो लार्ज फ्रेगमेंट है डीएनए के वो हम जो है उसमें इंसर्ट कर सके उसमें डाल सके ये ध्यान रखिएगा तो प्लाज़मिड जो सॉरी जो फेज़मिड है उसमें हम जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो कम डाल सकते हैं लेकिन जो कॉस्मिड है उसमें लार्ज डी उसको वही प्लाज़मिड और फाज लेमडा के थ्रू ही बनाया गया लेकिन उससे हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें हम उसमें लार्ज फ्रेगमेंट्स की क्लोनिंग कर सके डीएनए के लार्ज फ्रेमिंग लार्ज फ्रेगमेंट की क्लोनिंग के लिए बनाया गया तो चलिए देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए क्लोनिंग स्मॉल फ्रेगमेंट्स नहीं ये नहीं होगा क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट बिल्कुल प्रो कैरिट नहीं ये नहीं होता है वो जो है यू कैरियोटिक ये जो है uh, दोनों ही तरीके के डीएनएस को जो है क्लोनिंग uh, करता है सी डी ऑप्शन नहीं है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी

फिर हम क्या किस लिए कर रहे हैं हमें तो अलग सिक्वेंस चाहिए तभी तो हम लाइक इट कर रहे हैं फ्रॉम द द सेम उसल, सेम सेम टाइप टाइप ऑफ ऑफ सेल से भी बी कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल सही यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस से हम यहाँ कट कर रहे हैं यहां हम डीएनए जनरेट कर रहे हैं एंड जनरेट कर रहे हैं सेम उसी से यहां पर भी कट होना चाहिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी जो है बी ऑफ द सेम लेंथ नहीं सेम लेंथ का होता ही नहीं है ये सेम लेंथ की होते नहीं ठीक है तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज नाउ कम टू द वेक्टर डिजाइन टू रेप्लीकेट इन अ सेल टू डिफरेंट स्पीसीज देखिए जो है ये शटल वेक्टर पे क्वेश्चन मेरे मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था उसका मैंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था आ, अगर आप क्लोनिंग वेक्टर में जो है उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप भी वो भी देख सकते हैं ऐसा भी वेक्टर होना चाहिए देखिए वेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है कोई लार्ज सेगमेंट के लिए फ्रेगमेंट के लिए जैसे कॉस्मेट uh, है uh, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट के लिए जैसे ठीक है अः इसके अलावा कोई ह्यूमन सेल के अंदर जैसे east, uh, जो है ऑटोसोमल क्रोमोजोम है वाई ए सी जो है वो डिजाइन किया गया है तो वैक्टर्स में अलग अलग जो है हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हैं और वेक्टर्स जो होते हैं वो दो अलग अलग स्पीसीज के ऐसा वेक्टर जो कि दो अलग अलग स्पीसीज में भी एप्लीकेट कर सके ग्रोथ कर सके ऐसा हम ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं शटल वेक्टर शटल देखिए शटल क्या होता है शटल को अब शटल कॉक जो होती है वो उसको कैसे कि भाई इधर भी चले इधर से भी मारा जाता है उधर से भी मारा जाता है इसलिए इसका नाम शटल दिया गया है कि भाई शटल दोनों ही पालों में एक जैसा जो है फिनोमिना शो करती है तो सेम उसी तरीके से ये जो ऐसा फैक्टर जो कि दो स्पीसीज में ग्रो करे और सेम तरीके से ग्रो करे उसके ग्रोइंग में उसके रेप्लीकेशन में कोई डिफरेंस ना आए ठीक है तो इसीलिए इसका नाम होता है शटल वैक्टर इसको खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि ये मल्टीपल होस्ट में ग्रो कर सके और इससे हमारे पास जो इससे फायदा क्या है जो अवेलेबल होस्ट है उसमें हमारा काम हो जाएगा ठीक है

वो कौन सा था ईस्ट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ही लिया गया था जिसमें एडीएच प्रोमोटर साइट थी एल्कोहल डिहाइड्रोजेनस प्रोमोटर साइट थी ठीक है तो सेम जो है इसका आंसर होगा दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 इन पीबीआर 322 पीबीआर स्टैंड्स फॉर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट रहता है जो नेम रहता है वो रहता है कि भाई उसका नाम क्या है दैट इज पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिक एंड बी और आर जो होता है यानी सेकेंड और थर्ड नेम जो होते हैं वो खासतौर से डिजाइन किए जाते हैं जो भी उनके आ, आ, उनको बनाने वाले हैं या डिस्कवरर जो हैं उनके नाम पे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है प्लाज्मिट बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन नहीं है प्लाज्मिक बैक्टीरियल एप्लीकेशन नहीं है सी द ट बॉलीवुड रॉड्रिकुज जो है इसमें जो है सी ऑप्शन सही है लेकिन डी ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है प्लाज्मेट बाल्टीमोर एंड रॉड्रिकुज बाल्टीमोर इसके डिस्कवर नहीं थे इसके थे बॉलीवुड एंड रॉड्रिकुज ठीक है तो यहाँ पर जो है सी uh, ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा आपने एंजॉय किया होगा सेशन को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय